नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त हो चला है इस वक्त की कुछ खास खबर का। बहराइच टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता 125 बच्चों को जिला अधिकारी ने भेजा लखनऊ। टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता एवं प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी बच्चों का सम्मान समारोह में आयोजन हुआ बहराइच के इंदिरा स्टेडियम ग्राउंड में हुआ, जहां पर टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता प्रतिभाग करने वाले 125 बच्चों को जिला अधिकारी दिनेश चंद्र के द्वारा लखनऊ भेजा। उनका कहना है कि बहराइच भाजपा सांसद अक्षय बरलाल गौर के द्वारा हरी झंडी दिखाकर बहराइच से 5 बसों को रवाना किया गया, जिसमें ओलंपिक में विजेता हुए 125 बच्चे सवार होकर लखनऊ गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि वह बच्चे हैं जो विभिन्न खेल के प्रतिभागियों से जुड़े हुए हैं, उन्हें लखनऊ भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से ना कुछ प्रेरणा मिलेगी, जिन्होंने ओलंपिक पदक विजेता पूरे विश्व में हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया है। पलटी खेल भावना से यह बच्चे प्रेरणा लेंगे और इस तरह से प्रोग्राम से हमारे जनपद के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चे आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें, यह मेरा आशीर्वाद है बच्चों को। प्रिय सांसद जी की गरिमामयी उपस्थिति में 125 बच्चों को जो विभिन्न प्रतिभाओं से विभिन्न खेल की प्रतिभाओं से जुड़े हुए हैं उनको लखनऊ भेजा जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इन बच्चों को कुछ प्रेरणा मिलेगी। जिन लोगों ने ओलंपिक मेडल जीता है और हमारे देश का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है, उनकी खेल भावना से ये लोग बच्चे प्रेरणा लेंगे और मुझे उम्मीद है कि ऐसे कार्यक्रम से प्रेरणा के माध्यम से हमारे जनपद के बच्चे आगे बढ़ेंगे। ऐसी मेरी सोच है और मेरी शुभकामनाएं सभी बच्चों को कि ये आगे बढ़ें और अपने जनपद बहराइच के साथ साथ पूरे राष्ट्र का गौरव बढ़ें।